अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ मौसम लाहौर में बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। और इधर ये शेर पोएम सुन रहा था, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊँ। शेर के बाबा कह रहे थे, पहले मैंने उनको कहा कि मैं दिल कर रहा लड्डू बना लूँ, लेकिन खाने के हिसाब से जो बात हो रही है वो तो आज कुछ नहीं पकाया था। तो फिर शेर के बाबा ने कहा कि बेसन की ना टिक्कियाँ बना लो, यानी पकोड़े जो होते हैं उनको पकोड़ों की फॉर्म में डीप फ्राई नहीं हम लोग करते, इधर टिक्कियों की फॉर्म में बना लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देखा तो बेसन ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैं भी जाके बेसन ले आई, शहीद को भी साथ ले गई थी, और बेसन ले आई। तो फिर मैंने सोचा पकौड़े बना लूँ, सिंपल सी मैं बनाती हूँ, और साथ पकौड़ों के मैंने चाय भी बना ली थी कि मैं चाय भी पी लूँ साथ साथ जब तक शहीद पोएम्स में लगा और मैं बना लूँ। पकोड़े बनाने के लिए ना मेरा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल मैंने तीन प्याज लिए, एक बड़ा वाला और दो नॉर्मल दरमियाने साइज़ के। जो ये दो दरमियाने साइज़ के इनको स्लाइसेस में कट कर लिया और थोड़े से चॉप कर लिए, और ये जो बड़ा वाला था एक उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने से ये होता है थोड़ा सा वो पानी छोड़ता है, तो हमें बेसन के लिए आसानी हो जाती है घोलने में। और सादे जो खुशक मसाले हैं वो ये वाले के, नमक ले लिया, हसबे जायका हल्दी है, ये चाट मसाला ले लिया थोड़ा सा, ये काली मिर्च क्योंकि हम लाल मिर्च नहीं यूज़ करते बिल्कुल भी, साबुत धनिया ले लिया, ज़ीरा ले लिया, सफ़ेद कलौंजी थी वो भी ले ली, आप लोग चाहें तो अनारदाना भी डाल लें, लाल मिर्च भी डाल लें, ठीक है। और ये विनीगर भी मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, और साथ थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल लिया था। मुझे तो जो चीज़ें मिलती हैं वो डालती जाती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है मेरे लिए कोई खानों में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता मेरा, ठीक है ना। ये सारे खुशक मसाले इसमें डाल दिए प्याज़ों में, अभी बेसन इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्याज जो है ना पानी छोड़ते हैं। अभी मैंने आलू नहीं डाले, आलू इस वक्त मौजूद नहीं थे, तो मैं नहीं तो आलू भी होते हैं तो पानी तो फिर बिल्कुल ही नहीं डलता, क्योंकि आलू और प्याज ही इतना पानी छोड़ देते हैं कि उसी में बेसन घुल जाता है। बेसन कम, जब बेसन कम इस्तेमाल होता है तो ऑयली भी ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया था मसालों को, तमाम मसालों को, और फिर ये प्याज में मसाले डाल के मैं छोड़ गई थी थोड़ी देर बेसन लेने। तो जब मैं आई हूँ तो एक तो विनीगर और सोया सॉस भी डाला हुआ था वो भी, और दूसरा थोड़ा प्याज़ों ने भी पानी छोड़ा हुआ था, तो उससे ये हुआ कि बेसन आसानी से घुल जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आलू भी हो तो वो तो बेस्ट है, दोनों को अगर ग्रेट करके डालें तो वो तो बेस्ट है। फिर मैं बेसन लेने चली गई थी तो थोड़ा टाइम उसको मिल गया, पानी छोड़ दिया प्याज़ों ने, फिर बेसन डालें जितना आपने डालना है, जैसा आपने टेक्सचर रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना तो पानी बहुत ही कम डालें, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपने रखना है नॉर्मल से उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और तो फिर आप इसको थोड़ा सा और डाल देंगे पानी और अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर मैंने पानी डाल के अच्छी तरह हिला लिया था, ठीक है, इस तरह का मैंने टेक्सचर रखा है। और फिर मैंने थोड़ा और पानी भी बाद में डाल लिया था। हरी मिर्चें भी मुझे मिल गई थी, मैं समझ रही थी कि नहीं है ख़त्म हुई हैं, लेकिन चार पांच मिल गई थी तो मैंने वो भी ऐड कर ली। हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे तो उसके बगैर तो मेरा गुजारा होता नहीं है, तो शुक्र है थोड़ी सी मिल गई थी। और फिर जब मैं बाहर गई थी बेसन लेने तो उस वक्त ये थोड़े चिप्स वाला आया हुआ था, तो मैंने ये चिप्स भी ख़रीद लिए थोड़े से, पसंद बहुत। और फिर यहाँ पर मैंने साइड पे पैन चढ़ा दिया था, ठीक है, डीप फ्राइंग पैन में नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जब डीप फ्राई होते हैं तो और ज़्यादा उसमें ऑयल आ जाता है, ठीक है। हम लोग शैलो फ्राई करके बनाते हैं और हम लोग उनको पकौड़ों के बजाय टिक्कियाँ कह लेते हैं, ठीक है। मैंने जो है बस एक ही डाल के ट्राई किया था क्योंकि मैंने नमक मिर्च चेक करनी थी, क्योंकि बाकी आएंगे, बाकी जब शहीद के बाबा आएंगे ना तो फिर ही सारे बनाने, गरम गरम बना लूँगी तो इकट्ठे खाना खा लेंगे, हो सकता है दही में हम लोग डाल लें, ठीक है। दही में भी अच्छे लगते हैं, खुशक खुशक भी नहीं लगते, रोटी के साथ खाए भी जाते हैं। और मैं इधर बातों में वीडियो बनाते बनाते और जो गरम करना भूल गई थी, ठंडे में ही डाल दिया था, फिर खैर मैंने एक ही तो बनाना था अभी फ़िलहाल। और जी एक बना के चेक किया था, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत अच्छा बना था। तो अब जब इसके बाबा आएंगे तब मैं बनाऊंगी और मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ ऐसा रखा है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कैसे बने थे और बताऊंगी भी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी रेसिपी है। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।